बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान, उत्तर पश्चिम के राज्यों पर दिखेगा असर। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल। उत्तर पश्चिम में बन रहा ये तूफान देश के कई राज्यों पर काल बनकर आ रहा है, जिसका असर कितना होगा, कहां कहां तक होगा, ये कोई नहीं सोच सकता। ये तस्वीर 23 अक्टूबर की है। तस्वीर में दिख रहा तूफान दाना तेज और गहरे दबाव के साथ देश के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आ रहा है। इस तस्वीर के साथ ही देश में डर के माहौल की शुरुआत हुई। इस तूफान से निपटने के लिए देश की तैयारी क्या है ये भी बताएंगे, और इसका असर अभी से किन राज्यों पर पड़ा ये भी। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस तूफान के कारण किन राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है। दाना के साथ आ रही परेशानियों का साया ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु पर मंडरा रहा है। यानी ये तूफान सीधा इन सात राज्यों पर अटैक करेगा। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। ये तूफान सबसे पहले ओडिशा पर वार करने वाला है। 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। तूफान ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। आईएमडी के मुताबिक लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी। तूफान भले ही ओडिशा के तट से अभी तक टकराया नहीं है, मगर इस तूफान का असर अभी से ही दिखने लगा है। तूफान के आने के पहले ओडिशा में तेज हवाएं चल रही हैं। पूरी समेत कई जिलों में भारी बारिश भी हो रही है। वहीं तूफान से बचाव की तैयारियां चल रही हैं। समुद्री इलाकों में नौकाओं और जहाजों के लिए चेतावनी और मौसम के अनुमान लगातार जारी किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मिलकर कमजोर क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम कर रही हैं। लोगों को चक्रवात आश्रय में लाया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। समंदर की ये तेज लहरें, तेज हवा में लहराते पेड़। और लगातार चल रही अनाउंसमेंट तूफान के आने का संकेत दे रही है। यहाँ भी कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब हर राज्य ने इस तूफान से निपटने के लिए क्या तैयारी की है ये भी जानिए। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20, डिजास्टर रैपिड फोर्स की 51 और फायर ब्रिगेड की 178 टीमें लगाई गई हैं। 6,000 राहत शिविर बनाए गए हैं। होटल बुकिंग अगले 4 दिनों तक रोक दी गई है। पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में 23 से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 85 राहत टीमें तैनात की गई हैं। सभी जगहों पर राहत सामग्री का स्टॉक कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं झारखंड में भी एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। छत्तीसगढ़ में एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई है। यानी कुल मिलाकर आने वाले 2-4 दिन इन सभी राज्यों के लिए बेहद भयावह होने वाले हैं। लेकिन हर राज्य में अलग अलग टीमें स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखना यह है कि इस साइक्लोन का भारत पर कितना गहरा असर पड़ता है और देश को इस तबाही से राहत कब तक मिलती है।